मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई है पुलिस समीक्षा बैठक आज शाम को 5:30 बजे पुलिस मुख्यालय पर ये बैठक होने वाली है। पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, सभी रेंज के आईजी से लेकर जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मंथन होगा। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर लगातार इन दिनों मीटिंग्स पर मीटिंग्स ले रहे हैं और आज पुलिस मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम जिलों के एसपी और तमाम रेंजों के आईजी आज जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और क्या स्थिति है उनके शहरों में क्राइम की, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। क्राइम के क्षेत्र में कौन कौन सी गिरफ्तारियां हुई, जो अभियान पुलिस ने छेड़े, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिनों से राजस्थान की पुलिस अभियान पर है जिसके तहत आपराधिक किस्म के लोगों की गिरफ्तारियां बड़े स्तर पर हुई हैं, तो मुख्यमंत्री तमाम आईजीओं से और तमाम जिलों के एसपीओ से उनकी कार्रवाई को लेकर जानकारी लेंगे और क्राइम की क्या स्थिति है राजस्थान में, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। 5:30 बजे ये महत्वपूर्ण मीटिंग पुलिस मुख्यालय में आज होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज महत्वपूर्ण मीटिंग पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ आज करने वाले हैं। आज तमाम रेंजों के आईजी और सभी जिलों के एसपी जुड़ेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं इस मीटिंग के? जी नंदिनी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, आज 5:30 बजे पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर और अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी। डीजीपी से लेके प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे बात की जाए तमाम रेंज आईजीपी और तमाम जिला एसपी की, वो भी वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। और अब पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से पूरे प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उससे प्रदेश में अपराध के आंकड़ों में कितनी गिरावट दर्ज की गई है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही सभी जिलों के जो एसपी हैं वो भी अपने अपने जिलों का प्रेजेंटेशन देंगे। कुल मिलाकर रिपोर्ट कार्ड जो है आज तय किया जाएगा राजस्थान पुलिस का। इन दिनों में गत दिनों में जो अभियान छेड़ा गया और ऐसी चर्चा हुई कि बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई, अपराधियों की गिरफ्तारियां भी हुई, तो एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड आज तैयार किया जाएगा। जी वाकई, देखिए पिछले 4 महीने में जिस तरह से 35,000 के करीब बदमाशों को दबोचा गया है, तो उसको लेकर किन जिलों का कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको मद्देनजर रखते हुए जो रिपोर्ट कार्ड है पुलिस का वो तैयार किया जाएगा। कि साथ ही जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी ये जो आज बैठक होने जा रही है वो काफी अहम मानी जा रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री खुद विभिन्न जो तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अगर बात की जाए तो प्रदेश में पिछले 4 महीने जिस तरह से किसी भी तरह का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, तो इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज बैठक है वो होने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारियों के लिए। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से आज महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेने वाले हैं और तमाम रेंजों के आईजी एसपी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, सीएम के साथ चर्चा करेंगे किस तरीके का अभियान छेड़ा गया, कितने अपराधी गिरफ्तार हुए और उसका कितना असर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर पड़ा है, कितनी बेहतर इन 4 महीनों में कानून व्यवस्था राजस्थान की हुई है, इस पर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण मीटिंग ये कानून व्यवस्था के लिहाज से।